अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आपका ये रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे और आपको इसके जो हकीकी फ़वाद हैं वो हासिल करने की अल्लाह पाक तौफीक दे। यहाँ पर रमज़ान पाकिस्तान से एक दिन पहले शुरू हो गया था और बहुत रौनक है। अभी ये देखेंगे मेरा बेटा जो है ये अपने लिए नाश्ता बना रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है लेकिन बड़ी मेहनत कर रहा है और अपने लिए खुद ही इसने ये नाश्ता बना लिया है, योगर्ट बना लिया है, उसके अंदर हनी डाल दिया है और कुछ ग्रैनुलास डाल दिए हैं। अच्छा है, बच्चों को थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। उसके बाद फिर हस्बैंड को एक लिस्ट बना के दी थी रमज़ान की तैयारी के हवाले से, तो वो ये चीज़ें ले आए हैं। पता नहीं क्या कुछ उठा लाए हैं। मैंने तो सिर्फ़ एक डिश वॉशर की टैबलेट्स ख़त्म हो गई थी वो मंगवाई थी, तो वो ये सारा कुछ ले आए हैं। ये आटा है, ब्रेड्स हैं और शुगर, ऑलिव ऑयल, टिश्यूज़ और पता नहीं क्या कुछ, योगर्ट्स एंड चीज़। जबकि मैंने सिर्फ दो चीज़ें कहा था कि आपने ये टैबलेट्स लेकर आनी है और दही लेकर आने, तो ये सब कुछ उठा लाए हैं। उसके बाद ये समेटा और मेरे बेटे का बर्थडे था, मैं अब ये रिवायत ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि ये बड़े हो रहे हैं तो ये छोटे बच्चों के काम मुझे लगता है कि केक आ रहा है और बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। लेकिन मेरे बच्चों को पता नहीं क्यों इतनी आदत पड़ गई है कि वो एक महीना पहले से ही शोर डालना शुरू कर देते हैं कि हमें ये गिफ्ट मामा लेके देंगी, ये गिफ्ट बाबा लेके देंगे, बर्थडे ऐसी होगी, ये होगा, वो होगा। अब यहाँ पर आके मैंने बड़ी लेक्चर इनको दिए हैं कि मदीना है, यहाँ पर इस तरह की फजूल बातें और फजूल काम नहीं करने, तो काफ़ी हद तक असर हुआ है उसका। इस दफ़ा हमने कैंडल भी नहीं लगाई केक पर क्योंकि कैंडल पे हमेशा लड़ाई हो जाती है। एक बच्चा जिसकी बर्थडे होती है वो उसे बुझाना चाहता है तो दूसरा उससे पहले उसको बुझा देता है, तो फिर वो केक कटते वक्त एक रोना धोना पड़ जाता है। तो अभी कैंडल ख़त्म की है और ये केक कट रहा है। बहुत ही मज़ेदार केक था। यहाँ पर केक्स, इनके बेकरी की चीज़ें और जूसेस बड़े ज़बरदस्त हैं, इनके बड़े अच्छे अपने ब्लेंड्स हैं, तो बड़ा मज़ेदार केक था। केक काटा और फिर डेफिनेटली गिफ्ट्स के लिए चले गए। सेंटर पॉइंट एक जगह है और टॉयज़ आर अस पे चले गए, वहाँ पर इनके लिए ये टॉयज़ ख़रीदे। बाज़ार बिल्कुल खाली थे, लगता है कि ये रोज़े से एक दिन पहले की बात है। फिर ये एक शॉप थी, असल में तो हम अलबैग खाने गए थे तो ये उसके बिल्कुल साथ थी। मैं इसको बड़े अरसे से देखा करती थी कि इसमें क्या होगा, चल के देखते हैं। तो अंदर चली गई और बहुत ही मुझे अच्छी लगी ये शॉप। इसमें इतनी डिफरेंट टाइप्स के नट्स थे और सीड्स और नमकीन्स, तो मैं तो इम्प्रेस हो गई। मुझे जैसे नट्स बहुत पसंद हैं, मैं डेली डोज मेरी नट्स की होती है, मुझे डिफरेंट टाइप के नट्स ट्राई करने का भी बहुत शौक है। तो यहाँ पर ऐसे नट्स भी मेरी नज़र से गुजरे जो मैंने पहले नहीं देखे हुए थे, तो जैसे ब्राज़ीलियन नट्स, मैकेडेमिया नट्स, पता नहीं क्या क्या कुछ जो कि मैंने पहले देखा नहीं था। किशमिश की इतनी वैरायटी थी और नमकीन्स, चाय के साथ खाने का सामान, तब बहुत कुछ था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, टेस्ट बहुत फ्रेश था। तो टेस्ट करते करते बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये फिर शॉपिंग कर ली यहाँ से और अलबैग लिया और घर आ गए। बहुत ही मतलब जैसा मैंने इस शॉप को सोचा था, ये उससे कहीं अच्छी निकली। तो आके फिर बस ये अलबैग खाया क्योंकि कल से रोज़ा होना था, तो अभी मैंने कहीं जंक वगैरह जो खाना है खा लें। उसके बाद अलबैग की बहुत लंबी लाइन होती है, उसमें लग के और चीज़ लेना एक मुश्किल काम है। तो मैंने कहा कि आपने ड्राइवर भाई को भी तंग करना, तो रमज़ान में बस हम घर का खाना ही खाएंगे। तो ये खाए और साथ में ये एक फ्रूट सैलड टाइप चीज़ थी कोई, बड़ा मज़ेदार था ये भी, ये खाया। और उसके बाद बस फिर ऐलान हो गया कि तरावी मतलब होनी है ना, रमज़ान का आगाज़ हो चुका है माशाल्लाह बाकायदा। तो बस इसको एंजॉय किया और सारा कुछ किचन वगैरह ये सब कुछ समेटा। यहाँ पर रमज़ान बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग, बहुत एंजॉय करते हैं रमज़ान शरीफ और हज, बड़ी रौनक होती है। उसके बाद फिर बच्चे टॉयज़ लेकर बैठ गए अपने, बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। बर्थडे अभी मतलब होनी है, जो बर्थडे असल होनी है वो किस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट करनी है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी ये टॉयज़ की ओपनिंग हो रही है। मेरा बेटा और मेरी बेटी, इनको लेगोज बहुत पसंद है और बर्थडे चाहे किसी की भी हो गिफ्ट्स दोनों को मिलते हैं, तो दोनों की बर्थडे में दोनों को गिफ्ट्स मिलते हैं। तो जिसकी बर्थडे होती है उसको ज़रा ज़्यादा मिल जाते हैं और जिसकी बर्थडे नहीं होती वो ज़रा लो फील ना करे उसको भी गिफ्ट मिलता है।
तो ये लेगोज़ और ये स्केटबोर्ड और बहुत ही मतलब एक्साइटेड थे बच्चे। मुझे ये वाली जो खुशी है ना, ये अपना बचपन याद दिलाती है कि मैं भी हर चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाया करती थी, बहुत खुश होती थी। कोई नया सूट, कोई जूता, कोई बैग, कोई मतलब स्टेशनरी की इवन चीज़ों को भी मैं बहुत इन्जॉय किया करती थी। तो ये देखिए, अभी मेरा बेटा एक प्रोफेशनल की तरह इसको ट्राई कर रहा है, इसको बहुत शौक है ऐसे। मतलब लड़के और तरीके से खेलते हैं, उनकी और तरह की शौक़ होते हैं, लड़कियों की और तरह के शौक़ होते हैं। तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे गिफ्ट्स को। तो गिफ्ट्स पहले ले लिए हैं, बर्थडे अभी बाकी है। और एक ये जो ग्रैंड प्राइज़ है, मतलब ग्रैंड गिफ्ट जो है, ये बाबा की तरफ से है। और ये है रयान या रायान टॉयज़ वर्ल्ड, वो जो एक यूट्यूब चैनल है उसकी। ये बड़ी देर से इसको ढूंढ रहा था बेचारा, कि उस बच्चे ने कहीं उस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो इसको बहुत अच्छा लगा। तो ये फाइनली ये पाकिस्तान में बहुत ढूंढा, नहीं मिला, अब ये यहाँ पर मिल गया है। बहुत ही खूबसूरत टॉय था, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ये इसमें बड़े डिफरेंट डिफरेंट सरप्राइजेस थे, अंदर लॉक्स थे जिनको खोलना था, कीज थी उसके साथ उनको ढूंढना था। बहुत मतलब खूबसूरत ये खिलौना था। तो ये बाबा की तरफ से गिफ्ट था। यहाँ पर पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो जमजम है। जमजम भी ख़रीदा जाता है, जैसे हम कोई भी नेस्ले का पानी या कोई पानी ख़रीदते हैं तो ये जमजम की हफ्ते की मतलब बॉटल्स आ जाती हैं 4-5, तो हफ्ता गुजर जाता है पीने के पानी का। तो ये माशाल्लाह से वो पानी आ गया था। सादत ही कहूँगी इसको मैं, कि मैं ये पानी पीती हूँ और इसी में शरबत बनाती हूँ, तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड तरावी के लिए चले गए, क्योंकि मैंने जो काम वाली बाजी थी उनको इंगेज किया था कि वो सुबह की बजाय शाम के वक्त आके मेरा काम कर जाएं और बच्चों के पास बैठे 2-2.5 घंटे। तो तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं तरावियों पे। तो फिर अब ये तरावियों के लिए जा रही हूँ। बड़े ही पुरनूर नज़ारे थे इस वक्त, बड़ा ही जोश था इन लोगों में और बहुत रश था। ये देखिए, ये मस्जिद से निकलते वक्त के मनाजर हैं कुछ। अल्लाह हम सबको रमज़ान मुबारक जो है ये हमारे लिए नसीब में करे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। यही था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।